मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा विश्वास है कि इस नए वर्ष में आप बड़ी नई उमंग के साथ और नए इरादों के साथ प्रवेश किए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी पुरानी बातें हैं, उन सारी बातों को हमें धीरे धीरे त्यागने की आवश्यकता है। पुरानी आदतें, पुराने विचार, प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु ईश्वर हर समय सब कुछ नया बनाता है। प्रकृति को देखिए, प्रभु ने सब कुछ को नया बनाया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु को कार्य करने देना है। इस नए वर्ष में हम विशेष करके शुरुआत में प्रभु को हमारे जीवन में विशेष रूप से कार्य करने देंगे कि प्रभु हमें नया बनाए, नया मनोभाव, नए विचार, नई उमंग, पुरानी बातों को हम त्याग सकें। इसके लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना करना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस पवित्रता अभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में प्रभु कृपाएं बरसा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना इसके लिए एकमात्र कारण प्रभु हैं, प्रभु का आत्मा है। सारी यश, सारी महिमा उन्हें मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के समाचार की अध्याय 5 उसके वाक्य 18 से पढ़ने को मिलता है कि प्रभु येसु कफरनाऊ में एक घर पे वचन सुना रहे थे और उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, जैसा कि हर बार होता था। और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को येसु के सामने लाना चाहते थे, लेकिन इसलिए कि प्रभु के सामने भीड़ थी, वे उसको येसु के सामने ला नहीं पाए। इसलिए उन्होंने उसको पीछे ले जाकर घर के छत को खोलकर एक खाट के सहारे येसु के सामने लिटा देता है या लटका देता है। येसु ने लोगों के विश्वास को देखा, येसु ने लोगों के विश्वास को देखा और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं येसु ने उस भाई से कहा कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने उससे कहा अपने खाट उठाकर घर चले जाओ और वो चंगा हो जाता है। एक जबरदस्त उदाहरण हम विश्वासियों के लिए है। वो अर्धांग रोगी जो दुर्बल था, कमजोर था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ विश्वासी येसु पर विश्वास करके उस अर्धांग रोगी को येसु के चरणों तक पहुंचा देते हैं और उस अर्धांग रोगी को पाप क्षमा मिलती है और रोग से चंगाई मिल जाती है। उन लोगों के विश्वास और उनके परिश्रम के द्वारा उस अर्धांग रोगी के पाप का बंधन टूट जाता है, रोग का बंधन टूट जाता है, उसको एक करुणामय और दयालु ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मौका मिल जाता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 35 और 36 में कि लोग अपने गांव के, शहर के रोगियों को येसु के चरणों पर रख देते थे और लोगों ने येसु से अनुनय विनय किया कि रोगियों को येसु को छूने दें, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया उन सबको चंगाई मिली। लोग रोगियों को येसु के चरणों पर लेके आते हैं और उन लोग रोगियों ने अपने रोग से मुक्ति पाई, अपनी निराशा से मुक्ति पाई, उदासी से मुक्ति पाई, बंधन से मुक्ति पाई, ईश्वर की करुणा और दया और प्रेम का एहसास किए। उसके लिए लोग एक निमित्त बनते हैं या एक कारण बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, निराश हैं, उदास हैं, पाप के दलदल में डूब रहे हैं, नशे में चूर हैं, अहंकार में चूर हैं, अनावश्यक बातों में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों को मुक्तिदाता की आवश्यकता है।
ऐसे लोगों को मुक्ति दाता के पास लाना हर विश्वासी और हर मसीह का कर्तव्य है। याद रहे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बराबर मैं एक बात कहता हूं, प्रेम देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, विश्वास भी देने से बढ़ता है, विश्वास भी देने से बढ़ता है। कई विश्वासियों और मसीहों को मैंने देखा है, उनका विश्वास लुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कारण क्या है? वे बांटने के लिए उत्सुक नहीं है, वे बांटने के लिए उत्सुक नहीं है, बांटते नहीं है, इसलिए उनका विश्वास जैसा कि तैसा रह जाता है, बढ़ता नहीं है। हमें यौहन के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 35 से, यौहन बपतिस्ता अपने दो शिष्यों के साथ खड़ा थे और उस समय उन्होंने देखा कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं। यीशु को देखते ही यौहन बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। वे दोनों शिष्य यौहन बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं और वे यीशु के साथ रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। वाक्य 40 से 42 तक हम पढ़ते हैं, यौहन अध्याय 1 वाक्य 40 से 42 तक। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। अंद्रेस क्या करता है? अंद्रेस सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है, सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं, और सीमोन को वो यीशु के करीब लाता है। यीशु ने सीमोन को एक नया नाम दिया, कैफस, चट्टान, पत्थर, पतरस, पेत्रुस, और सीमोन भी, पेत्रुस भी यीशु का शिष्य बन जाता है। मेरे एक मित्र हैं, वो कहा करते थे, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। पुराने जमाने की बात है, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। जब बाप को एक अच्छा पेठा मीठा मिल जाता है तो तुरंत उसको उसका बेटा याद आता है, बेटे के लिए भी कुछ ले जाता है। हमें जो अच्छी चीज मिल जाती है हम अपने प्रियजनों को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, यौहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 45 में पढ़ते हैं, वहां से हम पढ़ते हैं कि यीशु से मिलने वालों में एक का नाम था फिलिप। फिलिप यीशु के पास आता है, यीशु से मिलता है, यीशु के शिष्य बन जाता है, सीधे अपने मित्र नथानाएल के पास चला जाता है और कहता है कि मूसा की संहिता में जिस मसीहा के बारे में लिखा गया है वो हमें मिल गए हैं, वो नाजरत निवासी यीशु है। और फिलिप जाकर नथनेल को भी यीशु के पास लेके आता है और नथनेल भी यीशु का प्रिय शिष्य 12 प्रेरितों में से एक बन जाता है। देखिए, विश्वास प्राप्त हुआ, यीशु से मिला, उसके बाद वे जाकर लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं। एक और सुंदर उदाहरण लीजिए, समारी स्त्री के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, यौहन का सुसमाचार अध्याय 4, समारी स्त्री, वो नारी जिसके 5 पति रह चुके थे और 6 पुरुष के साथ रह रही थी, एक ऐसी नारी जो वासना युक्त थी, प्यासी थी, याकूब के कुएं के पास यीशु से मिलती है। यीशु से मिलने के बाद उसने ऐसे उद्धार का अनुभव किया, अपने पापमय वासना पूर्ण व्यक्तित्व को त्याग दिया, वो पूरी तरह से बदल जाती है। उसने उद्धार का अनुभव किया, मुक्ति का एहसास किया, उसने आंतरिक रूप से महसूस किया कि मैं आजाद हो गई हूं। जब उसने यीशु से मिलने के बाद ऐसा अनुभव पाया तो उसने क्या किया? उसने किसके बारे में सोचा? अपने गांव के लोगों के बारे में सोचा। उसने सोचा, मेरे गांव में भी ऐसे कितने लोग हैं जो पाप के दलदल में हैं, उदासी और निराशा में हैं, मैं उनको भी यीशु के पास ले आऊंगी। वो जाती है, यौहन लिखता है कि उसने घड़े को वहीं छोड़ दिया और अपने गांव जाती है और लोगों से कहती है कि आइए और देखिए एक व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। और वे सभी यीशु के पास आ जाते हैं।
उन्होंने देखा यीशु को, सुना, उसके बाद कहते हैं हमने स्वयं उसको देखा है, उसको सुना है। जो भी विश्वास पाता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को भी यीशु के पास ले आए ताकि उनको भी उद्धार का एहसास हो। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी, यानी इतने अबदूत कि वो मनुष्य जैसा नहीं दिखता था, नंगा था, मकबरों में घूमा करता था, खाता नहीं था, अपने को चोट पहुंचाता था, चीखता चिल्लाता था। ऐसा इंसान यीशु से मिलने के बाद स्वतंत्र हो जाता है तो उसने यीशु से कहा कि प्रभु मुझे भी आपके साथ रहने दीजिए। मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 19 में हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु ने इनकार किया और कहा जाओ और अपने लोगों से कहो कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखाई है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम स्वतंत्र हो गए हो, जाओ और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए माध्यम बनो। तुमको मैंने स्वतंत्र किया ताकि तुम जाकर बहुत सारे लोगों के लिए स्वतंत्रता का माध्यम बनो। हर विश्वासी को एक दूसरे के लिए कृपा और उद्धार का माध्यम बनने की आवश्यकता है। मुझे माफ करना, बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है, वे मसीहत अपने लिए रखते हैं, उनको लगता है कि कुछ पाने का ये माध्यम है, लेकिन वे बांटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों के लिए उद्धार और मुक्ति का माध्यम बनने के लिए तैयार नहीं है, मध्यस्थ बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आवश्यकता है क्योंकि मैंने देखा आजकल बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में उद्धार का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। उदाहरण के लिए कार्यक्रम है हमारे, इस तरह के कार्यक्रम हैं और भी अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं जो लोग देखते हैं और उनको उद्धार का एहसास होता है, प्रभु की कृपा का एहसास होता है। वे क्या कहते हैं, वे क्या करते हैं, वे जाकर दूसरों को भी बुला लाते हैं, उनसे भी कहते हैं देखिए ऐसा कार्यक्रम है, आप देखिए आपके पति शराबी हैं, ठीक है हम समझ रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, उनको भी बैठाइए। बहुत सुंदर बात है, हर विश्वासी को एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए उद्धार, मुक्ति और चंगाई और शांति का माध्यम बनना चाहिए, हमें मध्यस्थ बनना चाहिए। हम सभी जानते हैं ये संसार डूब रहा है, अंधकार में डूब रहा है, पाप के दलदल में डूब रहा है, वासना और अश्लीलता में डूब रहा है, उपभोगिता के उस दर्शन में डूब रहा है, गंदगी में डूब रहा है, भ्रष्टाचार, अन्याय, घमंड इत्यादि का शिकार बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम संसार को कोस कर हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते। हम विश्वासियों को ऐसी परिस्थिति में हाथ बांध कर नहीं बैठना है। बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 39-41 तक, वहां लिखा हुआ है शोक ग्रंथ अध्याय 3 39-41 तक, मनुष्य को शिकायत करें। हम शिकायत करते रहते हैं, देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मनुष्य क्यों शिकायत करें, अपने ही कार्यों पर नियंत्रण रखें, पापों पर नियंत्रण रखें। अंत में लिखा हुआ है वो अपना हृदय और हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में, ईश्वर ने निर्णय लिया सोदोम और गोमोरा दो नगर हैं इसको नष्ट कर देगा क्योंकि ये नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके वासना के पाप से, लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से दोनों शहर भर गए थे। और ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इन दोनों शहरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने सोचा कि मैं इब्राहिम से कैसे छिपाऊं इस बात को, और इब्राहिम को अपने दूत के द्वारा संदेश देता है कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करने वाला हूं। इब्राहिम ने क्या किया, क्या इब्राहिम ने सोचा चलो पापी है मरने दो, अधर्मी है मरने दो? इब्राहिम ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्रभु तू ऐसे कैसे कर सकता है, अगर उस शहर में अगर 50 भी धर्मी होंगे तो क्या नष्ट करेंगे? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं,
फिर इब्राहिम ने कहा 40, 30, 20, 10। इब्राहिम ईश्वर के सामने दोनों नगरों के लिए, अधर्मी नगरों के लिए भीख मांगता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। एक और उदाहरण लीजिए, मूसा का उदाहरण, स्तोत्र 106:23 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने तय किया कि मैं इस जनता को नष्ट करूंगा, लेकिन ईश्वर का चुना हुआ सेवक मूसा ईश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हुआ, इसलिए ईश्वर ने नष्ट नहीं किया। ईश्वर ने सोचा कि मैं इसराइली जनता को नष्ट करूंगा क्योंकि मैंने इनके लिए इतने बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, लेकिन ये अविश्वासी निकले, अधर्मी निकले, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। लेकिन मूसा ईश्वर के सामने खड़ा होता, पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32:32 में, मूसा ने कहा कि आप इनको क्षमा कीजिए वरना मेरा नाम अपने ग्रंथ से हटा दीजिए। मूसा की उस प्रार्थना के कारण ईश्वर ने उस अधर्मी अविश्वासी जनता को क्षमा कर दिया। हम सबको इसी तरह संसार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों को ईश्वर के सामने लाना है। हम सबको ईश्वर के सामने लोगों को लाना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 बहुत सुंदर वचन, वाक्य 14 से प्रभु क्या कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता रहे। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति और तुम्हें छिपना नहीं है, तुम्हें प्रकाशमान होना है। तुम अंधकार को कोस नहीं सकते कि संसार बेकार हो गया है, तुमको मैंने ज्योति बनाया है और तुमको प्रकाशित करना है, अपने प्रकाश को बांटना है, लोगों को ज्योति के करीब लाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अंधकार को कोसना नहीं बल्कि जलकर प्रकाशमान होना है, लोगों को प्रभु के सामने लाना, प्रभु के पास लाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय ठान लें, ये प्रण लें कि इस नए वर्ष में हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति दाता के करीब लाएंगे, हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे। अगर शैतान लोगों को भटका रहा है तो आप भी तो लोगों को प्रभु की ओर मुड़ा सकते हैं। इसलिए इस वर्ष में हम निर्णय लेंगे, हम अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति दाता के करीब लाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे, अधिक से अधिक लोगों के लिए कल्याण का हम माध्यम बनेंगे, हम मध्यस्थ बनेंगे। हर विश्वासी मध्यस्थ बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि जिस तरह लोग रोगियों को यीशु के करीब ले गए, उनको रोग मुक्ति दिला दी, उद्धार दिला दिया, उसी तरह दुखी पीड़ित लोगों को प्रभु के करीब लाना और उनको मुक्ति दिलाना आप और मेरा परम कर्तव्य है। और इस वर्ष में हम निर्णय लें कि हम ये करेंगे। अलग अलग रूपों से कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सलाह के द्वारा, वचन के द्वारा, कार्यक्रमों में लाकर, वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित कर, कैसे भी हों अधिक से अधिक लोगों को हम इस वर्ष में मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे। युवा कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने मित्रों को लाएंगे प्रभु के करीब, ये मुक्ति के मार्ग पर। कोई दफ्तर में काम कर रहा है वहां पे भी लोगों को ला सकते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं प्रभु के पास लाएंगे, मुक्ति के मार्ग पर लाएंगे, ताकि ये संसार स्वर्ग बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतना प्रकाश दीजिए कि हम इस संसार में जो अंधकार में है प्रकाशमान हो जाएं। हम स्वयं महसूस करते हैं प्रभु, इतने सारे लोग दुखी पीड़ित पाप दलदल में हैं, वे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं कि कोई हमें पकड़ ले, थाम ले, हमें बचा ले। हम विश्वास करते हैं कि तू एकमात्र मुक्ति दाता है,
उनके हाथों को पकड़ने के लिए और तेरे करीब लाने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। जिस तरह हम दुखी थे, परेशान थे, उस समय किसी ने हमारी मदद की, उसी तरह हम भी दूसरों के लिए कृपा, कल्याण, बुद्धि, मुक्ति और उद्धार का कारण बन सके। हमें मध्यस्थ बना प्रभु, मध्यस्थ बना। हमें निमित्त बना प्रभु, निमित्त बना। हमें दूसरों की कृपा के लिए, उद्धार के लिए कारण बना, माध्यम बना यीशु, माध्यम बना।